वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में रिवीजन कराऊंगा। अब रिवीजन में देखिए, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया तो समझ में आ रही है चीज, बट वॉल्यूम का मतलब ये होता है वॉल्यूम एज ए बॉक्स। आप बॉक्स को देखे होंगे, बॉक्स में अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए इस बॉक्स में कितना लीटर पानी आएगा, कितना इसमें हम आयर रख सकते हैं, ये सब वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम आपको बताना है तो किसका वॉल्यूम बताना है, वो शेप कैसा होता है। तो देखिए, इसमें वॉल्यूम के लिए जो होता है नंबर एक वन होता है क्यूब, टू होता है क्यूबॉइड, थ्री होता है सिलेंडर, फोर्थ होता है कोन, फाइव होता है स्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, देयर आर फाइव ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी पर, अर्थ पर ये फाइव टाइप के आप ऑब्जेक्ट पाएंगे जो थ्री डायमेंशन में हैं। अब इनमें, इन फाइव में से आपको देखना है कि इस फाइव में से फाइव के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये क्यूब एवं क्यूबॉइड का आपको डिटेल में दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं वॉल्यूम आर क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। इसके बाद टोटल सरफेस आर क्यूब इज इक्वल टू 6a2। स्टूडेंट, 6a2 का मतलब ये हो गया कि अगर एक डाइस लीजिए, डाइस आप लोग जानते ही होंगे, डाइस में आप देखेंगे तो उसमें 6 सरफेस है। कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस। अगर आपको जानकारी करना है तो डाइस ले लीजिए, उसमें देखिए 1 to 6 डिजिट उस पर डिनोट किया जाता है, तो 6 सरफेस हो गए और 6 उसमें डिजिट हो गए, दैट इज द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। एक सरफेस उसका कैसा होता है? स्क्वायर में होता है। उसका एक सरफेस स्क्वायर में होता है। अगर उसका एक सरफेस स्क्वायर है, ऐसे एक सरफेस इसका स्क्वायर है, तो इसमें जितने सरफेस हैं, कितने सरफेस हो जाएंगे, ऐसे देयर आर 6 सरफेस। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड देखिए ये हो गया, थर्ड ये देखिए हो गया, फोर्थ ये हो गया, फोर्थ हो गया, इसके पीछे वाला 5 और इसके सामने वाला 6। तो ये देखिए 6 सरफेस। तो जब 6 सरफेस है, 6 सरफेस में एक सरफेस का ए स्क्वायर होता है, तो 6 का हो जाएगा 6a2। एक ये फॉर्मूला है इसका कि टोटल सरफेस आप क्यूब 6a2। इसी में डायगोनल निकाला जाता है, डायगोनल आप क्यूब, डायगोनल आप क्यूब, डायगोनल आप क्यूब का मतलब होता है इसका रूट n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
इक्वल होती है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों आपस में क्या होती है इक्वल होती है। अगर तीनों इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में थ्री एल स्क्वायर, थ्री एल स्क्वायर मीन्स अब एल स्क्वायर का रूट निकल आएगा तो बन जाएगा एल रूट थ्री, एल मीन्स वेयर एल इज इक्वल टू साइन, एल इज क्या है साइन। सेम यही प्रोसेस क्यूबाइड का होगा, ये तीन फार्मूला आपका क्यूब के लिए, यही तीन फार्मूला निकालिए क्यूबाइड के लिए। तो वॉल्यूम वॉल्यूम आर क्यूबाइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम आर क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबाइड क्यूबाइड क्यों बनता है, क्यूबाइड मीन्स लेंथ अलग होगी ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी, ऐसे लेंथ ब्रेथ और हाइट ये होगी ऐसे, इसको यहां से मिला गया। इसमें भी देखिए सिक्स सर्फेस है, कितने सर्फेस है सिक्स सर्फेस, ये देखिए सिक्स सर्फेस और ये इसको गिन लीजिए दैट इज द सिक्स सर्फेस। अब इसके लिए देखिए फार्मूला बनता है टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया आर क्यूबाइड इज इक्वल टू, इसमें देखिए लेंथ लेंथ ब्रेथ में लेंथ ब्रेथ लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, कितने सर्फेस हो जाएगी सिक्स सर्फेस। तो एक सर्फेस जो होगा जैसे उसका लेंथ लेंथ और ब्रेथ में है तो लेंथ ब्रेथ में दो सर्फेस बनेंगे, लेंथ और ब्रेथ में कितने सर्फेस बनेंगे दो, ब्रेथ और हाइट में कितने सर्फेस बनेंगे उसमें भी दो बनेगा, लेंथ और हाइट में कितने सर्फेस बनेंगे दो सर्फेस बनेंगे, तो सब में दो दो सर्फेस बन रहे हैं। इसलिए यहां पे देखिए अगर हम इसको निकालें टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल मीन्स इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं टू, तो ये हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट इज द फार्मूला सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया क्यूबाइड। इसी तरह से इसका निकाला जाता है डायगोनल, डायगोनल का क्यूबाइड, डायगोनल क्यूबाइड इसके लिए देखिए होता है सब साइड अलग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बी एच सब अलग है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखिए सिलेंडर, बट इसमें थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी कुछ साल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर वन है एक क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स विच इज साइड 2.3 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड टोटल सरफेस एरिया थर्ड डायगोनल। एक ही बार में मैं सारे क्वेश्चन को पुटअप कर देगा। अब अगर यहां से आपको निकालना है सरफेस एरिया, यहां से निकालना है वॉल्यूम डायगोनल, जो भी आपको निकालना है आप सबसे पहले फार्मूले पर जाइए। फार्मूला इसका देखिए, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है
तो ऐसे लिखिए वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू आर क्यूबिकल बॉक्स, तो इसका होता है साइड का क्यू, साइड आपको दी है इक्वल टू 0.3, तो 2.3 का होल क्यूब। इसका मतलब इसको तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत इत्मीनान से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, ऐड कर लीजिए 9 12 5, 2 पर पॉइंट कर लीजिए। अभी एक बार और मल्टीप्लाई करना, 5.29 में 2.3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27, 3 2 6, 6 + 2 8, 3 5 15, 2 9 18, और 2 2 4 5, और 2 5 10, 7 6, 5 5 10, 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें पॉइंट लगा दीजिए 3 डिजिट पर, इसके इसका वैल्यू आ जाएगा 12.167 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई आपको केयरफुली करिए, मल्टीप्लाई जब सही होगा तब आपका आंसर सही आएगा। इसके बाद अगर टोटल सरफेस आपको निकालना है, टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस के लिए आपके पास पास फॉर्मूला है 6 × a², तो 6 × a की वैल्यू है 2.3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पर किए हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 5.29, तो 6 9 = 54, 6 2 = 12, 12 + 5 = 17, 6 5 = 30, 30 + 1 = 31, 2 पर पॉइंट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर ए से आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल, तो डायगोनल के लिए होता है a√3, तो a की वैल्यू साइड है 2.3√3, इतना सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम फार्मूला याद करेंगे, और फार्मूला याद करने के बाद हम उस पर वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज मैंने क्यूब क्यूबाइड के बारे में बताया, अब ऐसे क्यूबाइड के लिए भी क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर डालेंगे। सॉल्व करने के बाद अब कल मैं बताऊंगा सिलेंडर के बारे में, और सिलेंडर बढ़िया से पढ़िएगा। थैंक यू, बेस्ट आपका।